नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपर ऐप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छे फर्नीचर यूनिट्स के लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। आई रिसेंटली मेट सम ऑफ द क्लैपर फैमिली मेंबर्स एट विम्स एंड फैंसीज। दे हैव बीन एक्सट्रीमली स्वीट, पोलाइट एंड ग्रेगेरियस, वेरी वेरी वार्म। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ क्लैपर ऐप। आई टोटली अप्रिशिएट दैट। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे फर्नीचर यूनिट, एंड ट्रस्ट मी, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बिकॉज वी मेक लॉन्ग वीडियोज सो दैट यू कैन टू लर्न। हाय सर, अच्छे फर्नीचर यूनिट दिखाएंगे आज हम। जी बिल्कुल, ठीक है। तो फेसेस अब एक्वेंटेड हैं, पूरी हिस्ट्री हम बताएंगे तो थोड़ा लंबा टाइम चला जाएगा, लेकिन एक चीज़ है जो आज खास बात करेंगे वो ये है कि डिज़ाइंस के बारे में भी हम अक्सर बात करते रहे। जो अब आप डिज़ाइन कर रहे हैं क्रिएट, जो मैंने नोटिस किया है ऑफ कैमरा शूट आपके साथ जाके, अभी हमने देखा कि आपने जो क्रिएट किया है, इससे ये पता चलता है कि इट्स नॉट ईजी टू मेक गुड डिज़ाइंस। ये तो कंफर्म है, मतलब आपको बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं जी। और कोई भी डिज़ाइन जो अडेप्ट करते हैं आप इंडियन एटमॉस्फेयर में फॉर इंडियंस लाइकिंग, एंड देन यू हैव टू ट्वीक लिटिल बिट जस्ट टू सूट आवर कन्वीनियंस एंड आवर टेस्ट, राइट। और वो पूरी टीम अरेंज करना कि जो उस लेवल पे जाके काम कर पाए, राइट, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। सही। सो वी कैन अश्योर ऑल द क्लैपर ऐप फैमिली मेंबर्स वॉचिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट देम टू फास्टन देयर सीट बेल्ट्स बिकॉज वी आर टेकिंग देम टू इटली, नॉट लिटरली, नॉट फिजिकली, but yes, your designs are highly inspired by the designs. Yes. And they're very smooth, subtle. Yes. And it is professed by the experts like you, those who are dexterous and kind of expert in the industry. They said never go for something that is over the top because you get bored. Bilkul. So it has to be timeless, subtle, it should be with you. Yes. It's all a part of designing. Right. When you set and design, so ye sare points hain jo aapko mind mein rakhne padte hain. Right. So we're going to check out some designs now. Bed se start karenge. We are at Whims and Fancies, everybody knows, and your name is also flashing on the screen. Chali, we'll start with my favorite bed, right? Sure. Okay. I have not experienced so much tranquility and serenity in my life the way I'm feeling today. Yes. And trust me, don't worry about the length. Make good video. Yes. Because it's very important. जो आज हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल, वो बहुत आसानी से मिलता नहीं है। बिल्कुल, डिजाइन दिखाने के साथ साथ लोगों को समझाना और डिज़ाइन के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल जी। तो आज पूरा हम शांति से समझाएंगे जी, है ना, कोई जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने क्रिएट की है ट्रस्ट में हर एक के बस की बात नहीं है जी। बहुत अच्छा बनाया है, कहाँ से सोर्स है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वी वेंट टू इटली, तो इटली में मैंने ये बेड देखा था। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड मिनोटी। इंस्पायर्ड बाय मिनोटी? यस। ओके, दैट वाज अ डिस्प्ले, राइट? ये कहीं उनके शोरूम में डिस्प्ले? जी जी। ओके, ग्रेट। And then we have created the same bed in our own factory. So, unveil. Time to unveil. Yes. Okay. अगर आप मुझे वो नहीं दिखाते और आप नहीं बताते तो हम भी कन्फ्यूज हो जाते कि ये एक्चुअली मिनोटी है डायरेक्टली जी। इसमें हल्का थोड़ा बहुत आपने ट्वीकिंग भी किया है, राइट? लेट्स ओपन द फ्रेम। ब्यूटिफुल, ये देखिए, अमेजिंग, वेरी नाइस। ओके, अब ये क्योंकि इटालियन डिज़ाइन है जी, तो इसके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, सबसे पहले कलर पैलेट की बात करेंगे जी। सो हम मैंने इसको बिल्कुल ही जो मेन कलर होता है ना, ग्रे कलर, विच इज वेरी न्यूट्रल शेड, बिकॉज जो बेड होता है ना वो किसी भी रूम का सबसे मेजर पार्ट होता है, राइट, है ना? तो जो मेजर पार्ट होता है उसमें मैंने न्यूट्रल शेड लिया है, सो दैट आप पूरे रूम में आप बाउंड ना हो जाओ कि आप कुछ और ना कर पाओ जी, है ना? उसके बाद हमने ये ग्रे कलर में लिया है, विच इज अ वेरी हाई क्वालिटी लेदराइट जी। इसका बैकिंग अगर मैं बात करूँ तो दिस इज लेदर बैकिंग के साथ आता है ये लेदराइट, वेरी हाई क्वालिटी। अगर आप इसकी बात करोगे तो दिस इज ऑल मार्बल शीट, राइट, एक्रेलिक शीट है। इसकी जगह इफ यू वॉन्ट के मैं नेचुरल मार्बल लगाऊँ सो वो भी हम लगा सकते हैं जी। और इसके बाद हमने ये पूरा आप देखोगे तो ब्रश फिनिश में मैंने ये मेटल का साइड में कॉर्नर्स दिए हैं, और इस पे जब लाइट पड़ती है तो जो मेन इफेक्ट है ना, जो ये लाइंस आ रही हैं, दिस इज द मेन एस्थेटिक लुक, राइट, जो हमारे अंदर एलईडी है उनका रिफ्लेक्शन है इसके अंदर, उसका रिफ्लेक्शन है, right. और एलईडी ना थोड़े गैप में होती है, तो उसी गैप का जो ये रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ये लाइंस आती है पूरी, ठीक बात, और ये आपके तीनों तरफ आती है, right. उसके बाद अगर आप देखोगे तो साइड में भी हमने नीचे स्कर्टिंग में इसमें ब्रास फिनिश का वो दिया मेटल, एंड इसके हमने जो कॉर्नर्स बनाए हैं वो भी अलग बनाए हैं, अगर मैं दिखाऊंगा जी, सो दिस इज यहाँ पे एक जॉइंट है, एक यहाँ पे जॉइंट है, राइट, तो यहाँ पे आपका कोई जॉइंट नहीं है, ठीक बात। अब मुझे बता दें ट्वीकिंग जो हुआ है इसमें वो हुआ है बेस में, क्योंकि बेस में जो आपने मेटल लगाया उनके ओरिजिन में नहीं था जी, और वो विदाउट, मेरे ख्याल से विदाउट बॉक्सेस है, विदाउट स्टोरेज है ना जी। चलिए, तो ये सेम फ्रंट हाइड्रोलिक के साथ है बॉक्सेस, इसमें हम आपका रिमोट
भी दे सकते हैं जिससे आप अपना हाइड्रोलिक भी ऑपरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हाइड्रोलिक वाले बैच में रिमोट कंट्रोल हाइड्रोलिक्स होते हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं और उसी आप रिमोट से लाइट्स भी कंट्रोल कर सकते हो। राइट, ओके। सो ये एक मास्टर बेडरूम का एक बेड है, बिकॉज बेड एज यू सेड इज द बॉस ऑफ द बेडरूम। जी, सो यू हैव टू, यू मस्ट पे अटेंशन टू द काइंड ऑफ डिजाइन यू आर चूजिंग। And these kind of designs are trending internationally because they are very sober, subtle designs. जी. They never go out of trend. बिल्कुल. है ना? और इसके पीछे आप अपना जिस तरह से सतवारियों के फिनिश का पीछे कुछ भी मार्बल का, इसमें जो साइड टेबल्स हैं वो भी पॉलिश पे गए हैं। अच्छा। So, मैंने सेम फिनिश में, मैट फिनिश में उसको पॉलिश करवाया है। शायद मेरे ख्याल में वीडियो में थे आपके पास। हाँ, वीडियो में है, सेम बनाए। ओके, डन। द सेम डिजाइन में आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द साइड टेबल्स जो इसके साथ आएंगे। इसमें कुछ ट्वीकिंग किया है? हाँ, इसमें ये किया हमने कि जो इसका टॉप है उस पर मैंने सतवारियों मार्बल रखा है। एक बार मुझे दिखा दें जरा। ओके, इस पे कुछ नहीं है, बट हमने जो ये सेम इससे मैच करता हुआ, दिस इज सतवारी लुक। ऑलराइट, तो ये सतवारी लुक है, तो इसी में सतवारियों मार्बल हमने जो नेचुरल मार्बल है सतवारियों साइड टेबल्स के ऊपर रखा हुआ है। राइट, हमने एक्चुअली मटेरियल के ऊपर काफी सारा टाइम स्पेंड किया, बट आइडिया बेसिकली ये था, मटेरियल तो ऑफकोर्स हमने बताना ही था लोगों को, साथ में ये भी बताना था कि ये काफी सोबर सिंपल क्लासी बेड है और ज्यादा ओवर द टॉप नहीं है ये। जी जी। और आप आराम से मास्टर बेडरूम में इसको रख सकते हैं। आपको लैंप्स की जरूरत नहीं है। हाँ, लार्ज साइज है, काफी बड़ा, लैंप्स की इसमें आपको जरूरत नहीं है। साइड टेबल्स आप इसमें रख सकते हैं ना? साइड टेबल्स रख सकते हैं, आप इसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ब्राइट वाइट पे किया हुआ है, तो आप इसको वार्म लाइट पे भी कर सकते हो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द मूड। ऑलराइट, सो बेसिकली वार्म आपने व्हाइट रखा है क्योंकि व्हाइट है, अदरवाइज ये ट्यूनेबल है ना? आप इसको डिमेबल भी है और ट्यूनेबल भी है। डिमेबल में ट्यूनेबल, जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आप इसको वाइट, वॉम वाइट और येलो, तीनों के टोन्स में चूज कर सकते हैं। जी। और आपको इसको डिमेबिलिटी है, यानी कि उन तीनों कलर्स की इंटेंसिटी भी फिर आप कम कर सकते हैं। येलो में बहुत हल्का येलो, वाइट में बहुत हल्का वाइट, और फिर नेचुरल वाइट में भी बहुत अच्छा वाइट। जी जी। शुभम, अब क्योंकि फंक्शनल बेड्स का टाइम है, हम नीचे भी कुछ फंक्शनल बेड्स देखेंगे आपके साथ में। तो लोग ना, दे वॉन्ट वेरी कम्फर्टेबल लाइफ स्टाइल। ये सारे जितने भी ऑटोमेशन होते हैं या फिर इसमें मोशन सेंसर आप लगाने वाले हैं, मोशन सेंसर लाइट लग सकती है, एनीथिंग कैन बी डन बिकॉज इट इज मेड इन इंडिया, तो आप जो भी कस्टमाइज करवाना चाहते हो कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे के सारे ऐप बेस्ड भी हो सकते हैं, रिमोट बेस्ड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी आप कर सकते हैं। जी, है ना? तीन ऑप्शन अवेलेबल है, उनके प्राइस एक्स्ट्रा होते हैं। जी, चलिए ठीक है, डन। अब मुझे एक बार सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आई नो इट्स टू मच टू आस्क फॉर, क्योंकि आपका अरेंजमेंट वैसे है नहीं, आप मुझे पर लाइट ऑफ करके दिखा दें, एम्बियंस लाइट ऑफ कर दें आप, और बेड के हेडबोर्ड की लाइट को प्लीज ऑन रहने दें। लेट्स सी कि कैसा दिखता है ये। इसलिए हमने ना इसके साथ रिमोट दिया। अच्छा, सो दैट आपको बार बार ये स्विच से ऑन करने की जरूरत ना पड़े। आप वायरलेस रिमोट के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो साइड टेबल की तरह आप इसमें एक साइड स्विच भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। जी, मैनुअली अगर आपको स्विच पर लगाना है तो अलग बात है। जी, है ना? चलिए ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि नीचे मोशन सेंसर लाइट लगा सकते हैं। राइट, सो उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हो रिमोट से। जी। अगर रात में आपको उठना पड़े तो आप सिर्फ नीचे की लाइट जला सकते हो, ऊपर की छोड़ सकते हो। सो दिस इज वेरी नाइस, मतलब आप पूरा मूड चेंज हो जाता है। अगर आप सी, इट्स अ सिंगल पीस, अगर आप देखोगे तो हमने बैक में भी मैंने ये फर वाला वॉल पैनल यूज किया, दिस इज ऑल फर। फर के साथ हमने जो मेटल यूज किया है वो भी सेम मेटल है, ब्रश गोल्ड में जो हमने लगाया है। राइट, तो दिस इज सेम फिनिश। तो इफ यू वांट कि आपका ये आपको ये वॉल पैनल भी चाहिए तो वी कैन आल्सो डू दैट। अच्छा, हाँ, दिस इज वेरी इकोनॉमिकल रेंज, दिस इज अप्रॉक्स आपका 500 रुपीज पर मीटर के आसपास। क्लाइंट्स आर वेविंग एट मी, आई कैन इमेजिन, दिस हैज कम आउट वेरी वेल। हमने बोला था बहुत सरीन एंड ट्रैंक्विलाइट। अगर आपको पूरे किसी को इंटीरियर डिजाइनर को हायर नहीं करना, सो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप ये बेड लगा लो और पीछे वॉल पैनल हमसे करवा लो। राइट, वैसे तो बेड खुद अपने आप में बहुत बड़ा हाईलाइट एंड फोकल पॉइंट है। इसलिए हमने सटल रखा ना, बैक में मैंने कुछ नहीं यूज किया, सिर्फ मेटल यूज किया है और वो व्हाइट फर यूज किया है। राइट, अब हम क्विकली बता दें, एक किंग साइज बेड है, हेडबोर्ड का साइज इज मोर देन 10 फीट लॉन्ग, है ना? जी। इनको किंग साइज, क्वीन साइज दोनों में बनाया जा सकता है। बिल्कुल। इसकी कॉस्टिंग विल टोटली डिपेंड, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, मटेरियल से रिलेटेड है। बिल्कुल, द कॉस्टिंग इज रिलेटेड सब्जेक्टेड टू। अभी हमने सर ये लेदर आइट यूज किया, अगर आप इसमें प्योर लेदर लगाओगे तो कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। लाइटिंग में अगर आप बोलोगे कि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा ऑटोमेशन चाहिए तो वो ऑटोमेशन का एक्स्ट्रा वो हो जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस आप करवा सकते हैं। तो ये क्या है कि आई थिंक बहुत हार्ड एंड मनी होता है, हम जब भी वीडियो शूट करते हैं तो एस्थेटिक भी समझते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी कॉस्टिंग में क्यों फर्क है। जी, अगर इसको मार्बल सतवारियों में चाहेंगे तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा ये। जी, ओरिजिनल मार्बल लगाएंगे तो, है ना? जैसे इमेजिन अगर फ्लोर पे भी इटालियन मार्बल होता तो इसका क्या लुक आता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, किंग साइज बेड का प्राइस क्या है इस वाले मटेरियल में? अभी इसके साथ हमने इसका प्राइस रखा है 1,40,000 रुपीज विद टू साइड टेबल्स
साइड टेबल्स भी आपके इंटरनल लैमिनेट के साथ हैं, हैफले फिटिंग सॉफ्ट क्लोज के साथ. अच्छा. और ये फ्रंट हाइड्रोलिक है लैमिनेटेड के साथ. इसमें आप रिमोट हाइड्रोलिक भी लगवा सकते हैं. तो जो प्राइस आपने बताया वो रिमोट हाइड्रोलिक नहीं है? नहीं. अच्छा. वो मैनुअल है. मैनुअल. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट यूनिट नाउ. सो दिस इज द नेक्स्ट डिजाइन वी हैव. ठीक है. और वेरी स्लीक. मेजरली ये अपार्टमेंट्स के लिए हमने क्रिएट किया है. राइट. और कलर टोन भी इसका हमने बहुत सटल रखा है ताकि छोटा स्पेस है तो ज्यादा डार्क कलर ना यूज करें. राइट. सो इसमें हमने व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन रखा है. टू डिफरेंट कलर्स प्लस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. मींस वन इज बुकले एंड वन इज लेदराइट. ओके. द कैरेक्टरिस्टिक इज टोटली डिफरेंट. वन इज विद लाइट ग्रेन्स एंड वन इज वेरी स्मूथ. यस. राइट. ओके. सो दैट्स हाउ यू प्ले विद टू डिफरेंट थिंग्स. जी. इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ कलर्स आल्सो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो. सो ये बहुत कंफर्टेबल सोफा है. ये पहले एटलांटा के नाम से हम ऑलरेडी सेल कर रहे थे which was the complete sofa was in leatherite. Okay. But अभी हमने इसमें बुकले यूज किया है because इसका जो bounce है वो कपड़े की वजह से ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है. So इसका comfort भी बढ़ गया है. Right. Back support and side cushions. तो आप इसको easily remove भी कर सकते हो अगर ज़्यादा sitting है और आप इसको as a seat भी use कर सकते हो. I was about to ask you that. Actually these are the movable cushions are actually more comfortable. जी. So you can increase the size of it. Okay. Very nice. This is same Atlanta. हाँ, एटलांटा सेम है. हमने कलर टोन चेंज कर दिया बस, तो एक डिफरेंट लुक आ गया. ओके. जी. सी, कलर चेंज करने से और फैब्रिक चेंज करने से उसको पूरा लुक एंड फील, बिल्कुल लुक एंड फील चेंज हो जाता है. और बहुत ज्यादा लेदराइट में क्या होता है ना, लेदराइट में एयर पास नहीं होता तो कम्फर्ट उतना नहीं आ पाता. अच्छा. तो जिसमें फैब्रिक की वजह से ज्यादा बाउंस है और ज्यादा कम्फर्टेबल है. इसके साथ हमने ये दो चेयर्स यूज किए हैं. ओके. विच इज अगेन वेरी स्लीक और ये रिवॉल्विंग में है. अच्छा. This is all revolving. Right. और बहुत comfortable. अगर आप जैसे आम हाइट की बात करोगे सो आम हाइट इज परफेक्ट और स्लीक है तो आपकी छोटे स्पेस में भी आप इसको इजिली लगा सकते हो. ठीक बात है. ऑलराइट. ये फंक्शनैलिटी के लिए होती है. जितना भी 3 डिग्री एक्सेस रोटेशन होता है वो इसलिए होती है ताकि आपको उठना ना पड़े या चेयर को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है. जी. अपने एक्सेस पे 360 डिग्री मूव कर लेते हैं. मेजरली क्या होता है ना कि जैसे आपका ड्राइंग रूम है तो आपके उसके साइड में आपका डाइनिंग एरिया होता है. सो आप इजीली जैसे आपका पीछे डाइनिंग है तो आप इसको डाइनिंग की तरफ फेस करके भी बैठ सकते हैं. ऑलराइट. और आपको अपना मीडिया रूम की तरफ या मीडिया व्यूइंग के लिए टेलीविजन व्यूइंग के लिए भी आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है टीवी की तरफ तो वो भी आप इजीली कर सकते हो. ठीक है. साथ में हमने इसको इटालियन मार्बल के साथ पेयर अप किया है बिकॉज़ ये इटालियन थीम ही है. राइट. तो ये अच्छा लग रहा है. वेरी नाइस. ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बिकॉज सारा व्हाइट था तो हमने ब्लैक रखा. ओके. तो आपके एक्सपेरिमेंट के जो हम तरीके बता रहे थे कि बेसिकली डिजाइन एंड साइज एंड शेप्स से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे आपने थोड़ा सा कलर से भी ट्विक करके उसको एक्सपेरिमेंट किया. जो बेड हम दिखा रहे थे अभी ये उससे काफ़ी सिमिलर है, आइडेंटिकल है. आप यूनिफॉर्म में जा सकते हैं पूरे घर में, है ना. जी, जी. बहुत अच्छा है ये. और बस एक ही इसमें होता है शुभम कि कई बार मुझे लगता है, आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कई सारे लोग एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं कलर्स को लेकर. इसके लिए आप थोड़ा सा प्लीज़ कंसल्टेंसी ले लेना चाहिए आपसे कि कौन सा कलर के साथ कैसा अच्छा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल डार्क टेन एंड दिस कलर मे नॉट लुक दैट ग्रेट, है ना. तो आपको थोड़ा सा दोनों कलर पैलेट ही वैसा ना. हाँ. क्योंकि अगर आप एक टैन लगा दोगे तो व्हाइट के साथ नहीं अच्छा लगेगा. बिल्कुल ठीक बात है. बट यू कैन हैव ब्लैक विद अदर ग्रेज एंड ऑल दैट दैट यू कैन डू, है ना. चलिए. हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज अगेन अभी जो हमारा एटलांटा सोफा था वो अगर आप पूरा लेदराइट में बनवा रहे थे तो 12,000 पर सीट था. इसमें हमने बुकले फैब्रिक यूज किया तो उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ गया है. दिस इज 13,500 पर सीट. राइट. चलिए ठीक है. एंड दीस चेयर्स? दीस चेयर्स आर 20,000 ईच. 20,000 ईच. दीस आर नॉट इंडियन चेयर्स? नो, दीस आर इंपोर्टेड. So you must be having limited stock available in this. Yes, yes, yes. All right. By any chance, can you replicate this color tone in this? Yes. We have the same color. जो ये leatherite लगा हुआ है. So ये same color में we can make the sofa. चलिए. We'll go further now. Yes. लेकिन आप क्या एक चीज मानते हैं कि thanks to fabric manufacturing companies now in India या फिर importers को भी कि जिनकी वजह से आप जैसे लोग they are also experimenting. वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा फैब्रिक हम लाएं. राइट. बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं. जैसे जो लास्ट वीडियो हमने की थी वो ऑल अबाउट फैब्रिक्स ओनली. राइट. तो यस. ओके. सो उनकी वजह से भी उनके जो अवेलेबल कलर्स एंड टोन्स या फिर टेक्सचर्स या कैरेक्टर्स की वजह से आप जैसे मैन्युफैक्चरर्स और डिजाइनर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है. अदरवाइज आपके पास पहले 10 अगर आप 3 साल पहले देखें 5 साल पहले रेस्ट्रिक्शन बहुत थे. बट हमारा मन करता है कि हम और अच्छे अच्छे कपड़े यूज करें बट कॉस्टिंग बढ़ जाती है. फिर क्लाइंट बोलता है कि आप तो महंगा बेच रहे हो, कितने का तो सस्ता बेच रहे हैं. Okay, तो okay. उसमें क्या करें, क्या करें? Well, I will not fan the flame. But it's not a nice thing to do. But I think is you have got ample of designs available today. Yes. So I mean you are not restricted to certain designs. In every pricing. Right? Okay. Chaliye, let's go to the next section. We'll check out some beds. Sure. First concept से start करते हैं.
जी सो सर ये डिज़ाइन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था सो हमारे पास सिर्फ 3 सीटर था जी, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने ये पूरा कंप्लीट सेट लगाया हुआ है जो कि क्लाइंट ने खुद ही क्रिएट किया है। अच्छा हाँ, और अभी ये 3-2 के मेरे पास 4 सेट नीचे रखे हैं और 1 सेट ये है। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस वाले डिज़ाइन का, डिज़ाइन भी अच्छा है, कम्फर्टेबल भी है, रबर फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं और फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव है। राइट, इट्स ऑलमोस्ट प्योर लेदर बिकॉज इसकी पैकिंग प्योर लेदर की है, इज अप्रॉक्स 2600 रुपीज पर मीटर लेदर राइट। सो ये बहुत हाई क्वालिटी लेदर राइट है। ओके जी, तो इसमें मैंने ये 3 सीटर लगाया है जी, साथ में 2 सीटर लगाया है और ये साथ में 2 चेयर्स लगाई हैं। ओके ठीक है, डन। पिछले वीडियोज़ में भी हम कहते हैं कि आप जब भी कोई डिज़ाइन इन्वेंट करते हैं तो वो वायरल होता ही है, ये डिज़ाइन भी वायरल हुआ है और हमारे हैदराबाद के दोस्तों ने भी बनाया है। अच्छा हाँ, काफ़ी उन्होंने भी तो बनाया है। और ये डिज़ाइन है भी अच्छा जी। थीम के हिसाब से अगर देखें, मतलब आपसे पूछेंगे क्योंकि आपने लोगों से इंटरेक्ट किया है कि उनको ये डिज़ाइन प्राइमर फेसी मतलब इंस्टेंटली क्यों पिकअप हुआ, आपको क्यों लगता है कि ये इंस्टेंटली? सी, एक तो लुक बहुत अच्छा है बिकॉज जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आए सबने यही पूछा है जिन्होंने वीडियो नहीं देखी थी कि इज दिस अ इंपोर्टेड पीस। अच्छा, क्योंकि लुक इम्पोर्टेड वाली है पूरी, फील जो आप कंफर्ट देखते हो ना बिकॉज ऑफ द रबर फॉर्म, कंफर्ट बहुत अच्छा है सोफे का। राइट, और बहुत एंगुलर आर्म नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसे खड़े हुए आर्म्स होते हैं जी जी जी, वो ना होने की वजह से, फ्लैट होने की वजह से थोड़ा सा ही आपको विजुअली भी लग्जूरियस दिखता है। बिल्कुल, सो आप इसकी आर्म्स भी यूज कर सकते हो एज अ सिटिंग बिकॉज इसमें भी हमने रबर फॉर्म लगाया, यू कैन ऑल्सो सिट हियर। अच्छा हाँ जी, ऑलराइट। और थीम के हिसाब से क्योंकि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करके डिजाइन लेके आते हैं, ये कौन सी कंट्री से आपने इसको एक्सप्लोर किया? इटली। इटली से था, तो इटालियन डिज़ाइन ही है ये, और बेंजामिन बेज कलर है ये, तो बेंजामिन बेज ही लोग ले रहे हैं कि कलर्स भी चेंज हो रहा है? फिलहाल जो मेरे पास सारे सेट बने हैं वो सेम कलर में बने। अच्छा हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर हम अलग कलर में बनाएं। ओके, बट अभी ये सेम कलर चल रहा है जी, और इसके साथ हमने जो चेयर्स पेयर किए ना वो भी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सेम डिजाइन फॉलो कर रही है विच इज एंगुलर आर्म्स, और जो फ्लफीनेस सोफा में है वही फ्लफीनेस चेयर्स में भी है। ओके चलिए, तो इस मोले के बहुत कंप्लीट इटालियन, इसके अंदर एक थीम क्रिएट किया आपने जी, और शायद इसीलिए इटालियन आपने सेंटर टेबल दिया है, सेंट लॉरो एनएसएल जो है, नियो सेंट लॉरो लॉरे दैट्स द नेम ऑफ द स्टोन, और ये काफ़ी पॉपुलर है, ये भी इटली में जाता है जी। ओके, अभी इसका प्राइस उतना स्टेबल रखा है जो लास्ट वीडियो में था, चेंज किया 17,000 रुपीस पर सीट, और मैं चाहता हूँ कि आप चेयर्स भी इसको सामने से दिखाओगे तो इंडियन चेयर्स हैं, इम्पोर्टेड होंगे? नहीं, दिस इज इम्पोर्टेड चेयर्स। ओके, बट बहुत हाई क्वालिटी है। राइट, बिकॉज ये सोफा इतना अच्छा लग रहा था कि इसके साथ चेयर हम कोई भी पेयर अप नहीं कर सकते थे, तो ये बहुत मतलब यूनिक डिजाइन मुझे लगा और अच्छा डिजाइन लगा, वेरी कंफर्टेबल अगेन बिकॉज ये सारा आप देखोगे तो ये सारा आपका बहुत कंफर्टेबल है, इट्स लाइक अ रिक्लाइनर। ओके जी, बस थोड़ा सा ये होता है कि इनके स्टॉक्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं चेयर्स के जी, है ना जी। चलिए, चेयर्स क्या प्राइस रेंज में? 25,000 ईच है चेयर, बट दिवाली ऑफर पे वी आर गिविंग इट फॉर 20,000 रुपीस सिंगल चेयर। ओके, सो 40,000 का चेयर है, बाकी 17,000 पर सीट का सोफा है। चलिए, क्विकली जहाँ पे आपने इसको एग्जीबिशन में देखा था, आई नो थोड़ा सा ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जनरली काफ़ी सारे लोगों को नहीं चाहिए होती है, लेकिन मुझे लगता है हमें बताना चाहिए, जब इसको हम पूरा इस तरह से सेट करेंगे रेडी, तो वॉल्स पे हमको क्या रखना चाहिए? वॉल्स एज इन वॉल पैनल्स? हाँ, वॉल को हम क्या डिज़ाइन करें? जैसे एक चीज जो मुझे आता है वो है ग्रे सतवारियो कुछ। हाँ, मैं भी वही बोल रहा था कि आप सतवारियो मार्बल लगा सकते हैं। अच्छा, वो अच्छा लगता है बिकॉज इटालियन है। उसके अलावा अगर आप कोई भी बेज में या फिर आप पीयू पॉलिश करा सकते हैं। अच्छा, अलग अलग जो ब्लॉक्स जैसे वॉल पैनल्स जो बनते हैं वो करा सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। मैं बहुत होपफुल था इस वाले डिज़ाइन को लेके, मुझे लगा था कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, आई एम नॉट श्योर क्योंकि हमारी इस बारे में बात नहीं हुई, पर्सनली आई फेल इन लव विद दिस इमीडिएटली, और माइनर मॉडिफिकेशन आपने की ओरिजिनल डिज़ाइन से जी, पॉइंटेड इसके आर्म्स थे वो आपने फ्लैट कर दिए जी, तो मुझे लगता है इंडियन कॉन्सेप्ट में, इंडियन सिनेरियो में वो ज़्यादा सूटेबल है। बिल्कुल, उसको नीचे से भी 2 इंची ऊपर कर दिया इंडियनिज्म थोड़ा सा। अच्छा, इंडियन सिनेरियो के हिसाब से। ओके, अब बताएं क्या रिएक्शन था इसका, हाउ पीपल रिएक्टेड? पहले हमने येलो कलर में बनाया था, वो तो नेक्स्ट डे सोल्ड हो गया था, एंड देन फिर हमने येलो में 3-2 बनाया था जी, फिर अब एक किसी क्लाइंट का हमने ब्लू में 3-2 बनाया है, बट ये सेम कलर में सेम कॉन्सेप्ट में मैं अपना डिस्प्ले में भी बना के रखूंगा बिकॉज मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत ही अच्छा है ये, और ये भी इसका ओरिजिन कौन सी कंट्री से हुआ? अगेन इटली। इटली से हुआ, जब आप इटली गए थे तो वहाँ पे आपने स्पॉट किया था। फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड पॉलीफॉर्म। आई एम नॉट अवेयर व्हिच ब्रांड यू सेड। पॉलीफॉर्म। ओके डन, तो दिस इज इंस्पायर्ड बाय दैट ब्रांड। ओके, और बुकले फैब्रिक में है ये? जी, बुकले फैब्रिक में है। अगर आप कुशंस देखोगे तो कुशंस भी हमने थोड़ा सा वही जो बॉल वाले आते हैं कुशंस वही है इसमें बनाए हमने जी। चलिए, एक ना कूल इफेक्ट देते हैं जब भी आप वाइट कलर के कुशन, अभी ट्रेंड में अगर आप देखें तो इटली के काफ़ी सोफाज में लाइटर टोन के सोफाज के साथ में वो कुशन रख रहे हैं लाइटर टोन के वाइट में जी, है ना,
चलिए, और इसके साथ हमने ये दो चेयर पेयर अप किए हैं, अगेन सेम डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, बिकॉज वो कर्व काफ़ी है सोफा में, तो ये कर्व चेयर ही हमने यूज़ किया, विच इज ऑल्सो इन बुकले फैब्रिक। ठीक है, वट आई वॉज थिंकिंग, ये क्लाइंट ने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, हम डिस्प्ले के लिए हो सकता है कि व्हाइट में दो बनवाएं, बिकॉज व्हाइट में है तो चेयर भी दो व्हाइट में व्हाइट अच्छा दिखेगा, तो फिर आपका डुअल एक्सेंट में क्लाइंट क्या करते हैं, कभी कभी उनको व्हाइट थोड़ा सा लगता है कि जल्दी गंदा हो जाएगा, तो व्हाइट का ही इन्होंने बेज में ले लिया। ओके, डन। अगर इसके साथ पेयर करना है तो वी हैव मल्टीपल कलर ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस, एनी कलर कैन बी डन, अगर आप सेम ब्लू में चाहते हो ब्लू में बन जाएगा, व्हाइट में चाहते हो व्हाइट में बन जाएगा, इफ यू वांट सोफा इन डिफरेंट कलर तो वो बन जाएगा। ओके, डन। शुभम, एक आपके काम में ना एक और चेंजेस है, अगर आप नोटिस करें, जो हम नोटिस कर रहे हैं, जो पहले आप बनाते थे सोफाज वो थोड़े से स्लीक्स एंड वेरी बड़े स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट्स के होते थे, अब जो पिछले एक दो तीन चार महीने से छः महीने से आप बना रहे हो, लोग जो रिएक्ट भी कर रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं जी, वो बीफी बल्कि सोफाज पे बहुत रिएक्ट कर रहे हैं। सर दोनों टाइम, मैं तो दोनों टाइप के काम करता हूँ, मैं जो मेरे को डिज़ाइन अच्छा लगता है उस पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बीफी बनाना है या फिर स्लीक ही बनाना है, मेरे पास स्लीक्स भी हैं, स्लीक डिज़ाइन भी हम बनाते हैं, ये वाला ही बनाते हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रेंड में है या फिर नहीं, नहीं ट्रेंड की बात नहीं, मुझे इसलिए लगने लगा था कि लोगों लोग जो है अब अपने घर में ज़्यादा लग्जरी एक्सपेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि हैवी सोफ़ास थोड़े से लग्जरी में ज़्यादा होते हैं, मुझे लगता है वो तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो लग्जरी अपने आप आ जाएगी, लग्जरी कम्स विद द स्पेस, राइट, तो स्पेस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा स्पेस में स्लीक लगाओ अच्छा ही लगेगा, उन स्पेसिस के लिए ऐसे सोफ़ाज हम डिज़ाइन करते हैं। चलिए देखिए, ये क्या रेंज में रखा हमने, 15,000 पर सीट। ओके डन, इसका क्या सिंगल सीट बन जाएगा या टू हैवी हो जाएगा? सिंगल सीट बन जाएगा पर थोड़ा हैवी लगेगा, बट अच्छा? वो भी अच्छा लगेगा, हैवी में भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ओके, वो 1.5 के इक्वल हो जाएगा, एक्चुअली सिंगल सीट भी नहीं होगा, 1.5 में होगा जी। चलिए इधर आप पीपल, वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, अगली तरफ चलते हैं। इसका आपने क्या प्राइस बताया? 15,000। एंड चेयर? चेयर इज 19,000 ईच। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आई गेस वो प्रोडक्ट होते हैं हमारे जो रेडी टू डिलीवर होते हैं जी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ, एक छोटी सी बात आपसे करनी थी कि हमारा जो अटेंशन होता है, मतलब मेरा पर्सनली जो अटेंशन होता है वो डिटेल की तरफ होता है, आप लोग मटेरियल के बारे में बात करते हैं, वो मटेरियल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, और क्योंकि मेरा इंटरेक्शन हर तरह के मैन्युफैक्चरर्स के साथ होता है जी। तो जो डिटेलिंग की बात है, काफ़ी सारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स को पर्सनली रिकमेंडेशन होती है हमारी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अटेंशन पे करिए, आई एम गोइंग टू चेक आउट सम बेड्स नाउ, और अमेजिंग फिनिशिंग करते हैं आप, बहुत अच्छा आपकी फिनिशिंग होती है, तो ये QC आपका अपने लेवल पर रहता है कि आपकी टीम ऑलरेडी ट्रेंड है इसके लिए? सर मैं अगर 8 घंटे यहाँ रहता हूँ मायापुरी में, तो उसमें से 5 घंटे मैं फैक्ट्री में रहता हूँ। अच्छा, सो मैं पर्सनली सारा QC चेक करता हूँ कि क्या फिनिशिंग आ रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज द ओनली थिंग जो हमें मार्केट से अलग बनाती है वो है डिज़ाइंस एंड क्वालिटी, राइट। सो क्वालिटी में आपका फिनिशिंग भी आ गया और इंटरनल जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो भी आ गया। बिल्कुल, विल चेक आउट सम बेड्स, और हमारा आपका एक इंटरेक्शन हुआ था जिसमें हमने डिफरेंट तरह के ओपनिंग्स के बारे में बताया था जी, और क्यों फिर से हम कहेंगे कि जो हम फिनिशिंग आज देखने वाले हैं, दीज आर अमेजिंग फिनिशिंग, थैंक यू सो, और इसको अचीव करना इज नॉट अ जोक, ट्रस्ट मी इज नॉट अ जोक। हेडबोर्ड दिखा दूँ क्विकली, आई नो हमारा इसका टॉपिक दूसरा है इसकी ओपनिंग को लेकर, लेकिन बहुत अच्छा फिनिशिंग किया है, स्पेशली दीज वंस आर वेरी गुड, है ना? बिल्कुल, सो ये 4 बेड्स हैं हमारे पास ऑर्डर के, सो द क्लाइंट इज फ्रॉम हिमाचल, और इन सब में जो मेजर हमने पहली बार जो यूज़ किया है वो है ये रिमोट्स, सो ये चारों में रिमोट फ्रंट हाइड्रोलिक है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किसका रिमोट है, दिस इज दैट रिमोट, सो ये 150 kgs तक ले सकता है। ओके, तो अगर आपके पास 8 इंच का गद्दा है या फिर 6 इंचज का मैट्रेस है तो आप इजिली इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उसको खोल सकते हो। ऑलराइट, अप्रॉक्स 30 से 35 सेकंड्स लेता है। जी, अच्छा, कंप्लीट 45 डिग्री जाता है ये, पूरा ऊपर तक जाता है, मैं आपको पूरा एक पूरा वो वाला ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा वापस एक बार मेमोरी हम रिफ्रेश कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए जी, कि हमने एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपनिंग होती हैं जी। पहले आप देखें तो लेफ्ट लिफ्ट अप हुआ करते थे, राइट लिफ्ट अप हुआ करते थे, उसके बाद में फिर ड्रॉर्स आने लगे, ड्रॉर्स बहुत फंक्शनल नहीं है और राइट और लेफ्ट भी नहीं, ड्रॉर्स के लिए आपको स्पेस चाहिए, आसपास स्पेस चाहिए। ये क्रोकोडाइल ओपनिंग है, सो दिस इज द बेस्ट ओपनिंग, सबसे ज्यादा फंक्शनल जो आप बोल सकते हो ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर स्पेस भी आपको इसी में मिलता है। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा फंक्शनल कर रहे हैं अपनी चीजों को, राइट लेफ्ट तो आउट ऑफ सीन है क्योंकि आपको सिंगल मैट्रेस लेना होता है, बिल्कुल, तो वो तो टोटली आउट है जी। फ्रंट में भी क्या हो रहा था कि वो हाइड्रोलिक मशीन्स का बहुत दिक्कत आती थी, बिल्कुल, और वो बहुत कभी कभी जर्की मूवमेंट भी दिया करते थे जी, जी, जी। है ना, तो ये ऑटोमेशन और दिस मैकेनिज्म हैज बीकम वेरी पॉपुलर, दिस इज द प्रेस डाउन बटन, तो आप ये प्रेस डाउन करोगे तो प्रेस डाउन हो जाएगा, इसको अप करोगे तो ये अप हो जाएगा, सो दिस इज फ्रॉम एप्को,
एप्को ब्रांड का है एंड कम्स विद दी 5 इयर्स ऑफ वारंटी. तो 5 इयर्स की वारंटी आपको मिलती है. और इंटरनल स्पेस मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, पूरा मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ. राइट, चलिए एक को पूरा हम डेमो करके देखते हैं यहाँ पे. अब फिर तो आपको शुभम ये हैंडल्स की जरूरत नहीं है ना इसमें? नहीं, हैंडल्स की जरूरत नहीं. जो ऊपर आपने लगा रखे हैं फिर आप निकाल दोगे इनको? नहीं, हमने इसलिए लगाया बाई चांस क्या होता है ना, कभी कभार अगर मैकेनिज्म में कुछ इशू आए तो आप फिर तो ऑपरेट कर सकते हो ना. ठीक है, फॉर इमरजेंसी पर्पस. बिल्कुल, चलिए ये आपका इमरजेंसी एग्जिट है. ओके, ठीक है, डन. और ये जो सेंटर से ऑपरेट होता है? हाँ, ये सेंट्रल ऑपरेटेड होता है. और सिर्फ जितना आप स्पेस देख रहे हो ना, जैसे हमने ऊपर अलग से बॉक्स बना दिया ऊपर, तो सिर्फ उतना ही स्पेस है जहाँ आप सामान नहीं रख सकते हैं. यहाँ पे हम आपको एक डिवीजन दे देंगे. अच्छा, तो ये वाला स्पेस भी आप यूज कर सकते हो और ये दोनों तो आप यूज कर ही सकते हैं. ऑलराइट, और इसके अलावा जो आपने लेफ्ट राइट दे रखे हैं जो हाइड्रोलिक्स हैं हमारे, वो तो ऑपरेशनल है ना दोनों? हाँ, वो ऑपरेशनल है. इन केस ऑफ कुछ प्रॉब्लम? नहीं, वो इसी के साथ है. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म. अच्छा, ये भी इसके पार्ट है? एक्स्ट्रा नहीं है, ये इसी का पार्ट है. ओके, तो ये हमेशा सपोर्ट के लिए साथ आते हैं, तो यू विल गेट 3 सपोर्ट्स. ऑलराइट, हालांकि थोड़ा स्टूपिड साउंड कर सकता है क्योंकि जो लग्जरी सेगमेंट के फर्नीचर लेंगे उनके पास पावर फेलियर का या पावर बैकअप का हमेशा कोई ना कोई प्रोविजन होता ही है. जी, है ना? जी, पर फिर भी कभी अगर कभी पावर फेलियर और आपको बेड ओपन करना है तो मैनुअल आप इसको खोल सकते हैं. जी, तो जो आपका नॉर्मल हाइड्रोलिक है वो फंक्शन करेगा. जी, है ना? तो आप इसको ऐसे इजीली बंद कर सकते हो. सो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आपके घर में कुछ आपके एजेड पेरेंट्स हैं, किड्स हैं, वाइफ हैं आपकी, या फिर तो उसके लिए परफेक्ट है. ऑलराइट, ठीक है, डन. और मैंने देखा है बड़ा इरिटेटिंग होता है कभी कभी मैट्रेस के साथ पूरे के पूरे इसको लिफ्ट अप करना. हाँ, अब तो आपको मैट्रेस भी हटाने की जरूरत नहीं है ना, आप सिंगल पीस मैट्रेस लो, उसको रहने दो ऊपर, आपको सिर्फ रिमोट से ऊपर करना है वो ऊपर हो जाएगा. ठीक है, और सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये सेफ मूवमेंट है इसका? हाँ, सेफ मूवमेंट है, ना ज़्यादा आपको स्पीड में मिलेगा ना बहुत स्लो मिलेगा. दिस इज द स्मूथेस्ट, मतलब 30-35 सेकेंड लगते हैं बंद होने में, 30-35 सेकेंड लगते हैं खुलने में. चलिए एक और इसका बेनिफिट जो मुझे दिख रहा है, हालांकि थोड़ा सा फनी लग सकता है, कि आपका जो बेडशीट है जो बेड पे लगा हुआ है वो खराब भी नहीं होगा. आपने सेटिंग किया है, ये पूरा लिफ्ट हो जाएगा और वापस अपनी जगह पे मैट्रेस चला जाएगा. यू डोंट हैव टू एडजस्ट द बेडशीट. थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा. अच्छा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. ओके, मुझे लगा कि शायद वैसे ही हो जाएगा. चलिए, दिस इज नाइस, वेरी गुड. ओके, सो अब वैसे डिजाइन की मैं बात करूँ तो एक ये वाला है, दिस वन, तो ये अभी नीचे जा रहा है. सो ये हमारा हॉट सेलिंग डिजाइन है. ये भी प्रॉपर अगर आप देखोगे ना, अगर आप किसी को नहीं बताओगे इंडियन है तो सबको ये इम्पोर्टेंट ही लगता है कि दिस इज अ इम्पोर्टेड डिज़ाइन. और देन ये अच्छा डिज़ाइन है. थोड़ा प्राइस का भी आइडिया दे दीजिए. जो सर डार्क टेन कलर में था वो हमारे क्या प्राइस रेंज में था? ये वाला? ये वाला सर, ये वाला 65,000 का है विदाउट नॉर्मल हाइड्रोलिक. ओके, नॉर्मल हाइड्रोलिक के साथ में. ठीक है, इसका मैकेनिज्म का कॉस्ट अलग है. ओके, और बाकी ऑलमोस्ट सारे इसी रेंज के, सारे बेड्स इसी रेंज के. राइट, बट सिर्फ मैकेनिज्म का अलग है. ओके, कई सारी चीज़ें हैं, हम 2-3-4 घंटे भी बात कर सकते हैं शुभम इस बारे में. जी, कि हम मटेरियल की बात करते रहे, फिनिशिंग की बात करते रहे, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप देखें तो जितने भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरर हैं उनका कलर सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है. आप जो भी कलर चूज़ करते हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल लेवल के कलर होते हैं. लुक एट द काइंड ऑफ कलर्स दैट यू हैव डिसाइडेड. यू हैव कलर पैलेट बहुत अच्छा है. सी द कलर, मतलब बेज, ग्रे, एंड देन दिस इज इंग्लिश ग्रे. वेरी नाइस, आई जस्ट लव इट. एंड दीज ऑल ऑफ देम आर इंटरनेशनली रिनाउंड कलर्स. दे आर वेरी वेरी ट्रेंडिंग एंड दे नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड. हमेशा टाइमलेस ही रहते हैं ये. बाय द टाइम द बैच्स आर आल्सो कमिंग टू एन एंड, है ना? जी, मतलब ये क्लोज भी हो गया पूरा. बिल्कुल, चलिए. ओके, सो आई थिंक नाउ द फंक्शनैलिटी इज चेंजिंग और देर आर फ्यू मैकेनिज्म दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग वेरी सून. बेड्स में आप नए नए और मैकेनिज्म भी लेके आ रहे हैं. हाँ, सोफा कम बेड्स में भी हम रिमोट वाले ला रहे हैं. So you can just click a button and a sofa converts into a bed. अच्छा. हाँ, but हम सिर्फ wait करते हैं अच्छे brands की कि अच्छे brand हमें warranty दे, then we'll use that products. Because हम personally भी clients को अपनी तरफ से भी warranty दे रहे हैं 10 years की. All right. तो we don't want कि हम कोई ऐसा use करें जो हमें warranty ना मिले. बिल्कुल ठीक है. तो हम वही raw material use करते हैं जो आगे से हमें warranty मिले and then we pass on to the clients. All right. Yes. There's one more mechanism that you are also introducing, the floor lighting, the sensor motion control, right? Yes. वो भी हम जल्दी introduce करेंगे. चलिए, let's go to the next section. Sure. Before we sign out, कुछ अच्छे designs हैं जो ready कर लिए हैं वो दिखाते हैं. जी. Right? Okay. So ये पूरा complete combination है white और orange का. व्हाइट बुकले फैब्रिक है एंड ऑरेंज भी बुकले फैब्रिक है. right. So, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक सेम रखा है फैब्रिक का, बट कलर डिफरेंट हो गया. ऑलराइट. जी, इसमें एक चीज़ है जो काबिले तारीफ है, वो ये है कि ये वाले डिज़ाइन काफ़ी कन्वेंशनल डिज़ाइन है, सेंचुरी क्रॉस लेग्स. हाँ, है ना? और उसको हमने थोड़ा सा स्कैंडिनेवियन रखा है, इसलिए हमने ये वाली लेग्स दी हैं. राइट, काफी एक्सपेरिमेंट किया. और ये भी बहुत स्लीक चेयर्स हैं, वेरी कम्फर्टेबल, और पूरा बुकले में है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, और ये सोफा अपने आप में बहुत कंफर्टेबल है.
बिकॉज इसके जो कुशन्स आप देखोगे ना, जो कुशन्स की जो फिलिंग है और जो कुशन का साइज है वो बहुत अच्छा है. आप हाइट इसके कस्टमाइज करवा सकते हो ऊपर नीचे. मैंने थोड़ा सा लो रखा है. अच्छा. क्योंकि इट्स लाइक अ टीवी लाउंज, तो थोड़ा सा रिलैक्स सेटिंग रखा है. फॉर्मल में आप थोड़ा सा इसका हाइट ऊपर कर सकते हो, बट बहुत कंफर्टेबल है बिकॉज इसका सोफे का हाइट जो है ना वो आपका यहाँ शोल्डर तक कवर कर लेता है. ठीक बात है. पिछले वीडियो में भी आपने इस तरह की हमें कुछ बातें बताई थी कि हर सोफ़ा अलग पर्पज़ से बनता है. डाइनिंग सेट्स मतलब आपके ड्राइंग रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए दोनों सोफ़ाज अलग होते हैं. लॉन्ग सिटिंग के लिए अलग हैं, छोटे सिटिंग के लिए दोनों में यूज़ कर सकते हो. कुछ सोफ़ाज जो होते हैं जो आप सिर्फ फैमिली रूम में यूज़ करोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं बिकॉज वो लॉन्ग आवर सिटिंग के लिए होते हैं. राइट. इसी तरह से कमर्शियल एरिया के जितने भी हैं, टक्सीडो अलग होते हैं, उसी हिसाब से उनके फैब्रिक्स भी बदलते चले जाते हैं. थीम के हिसाब से भी फैब्रिक्स बदलते चले जाते हैं. टक्सीडो सोफा डेप्थ चेंज हो जाती है उनकी. जो फॉर्मल होता है वो थोड़ा सा अपराइट होता है. राइट. और फैमिली थोड़ा सा डेप्थ बढ़ जाती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स वाला हो जाता है. ठीक बात है. एक और बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में, हमारे पास भी थी, हमने भी किया है वो काम. हमको लगता है कि हमारा जो कारपेंटर है वो बेड बना सकता है. ऐसे नहीं होता है. लाइकवाइज सोफाज में भी होता है. कारपेंटर्स कैन नेवर मेक सोफाज अनलेस देयर एक्सपर्ट्स. 6 साल हो गए आरएनडी करते करते, आज भी कोई नया डिजाइन हम 2-4 बार में बना पाते हैं. तो एक नॉर्मल लेमैन सिंगल हैंडेडली नहीं बना सकता. वी हैव अ टीम ऑफ 25 पीपल. राइट. क्योंकि उसके अपने एर्गोनॉमिक्स होते हैं. बिल्कुल. इट हैज टू बी ट्रिल्ड. 25 लोगों की टीम है. जो स्ट्रक्चर वाला है वो सिर्फ स्ट्रक्चर में एक्सपर्टीज है. राइट. जो फॉर्मिंग वाला है उसमें फॉर्मिंग में एक्सपर्टीज है. जो आरएनडी के डिजाइन प्रोटोटाइप बना रहा है उसमें एक्सपर्टीज है. राइट. एंड देयर आर सर्टेन फैब्रिक्स वेयर यू डोंट नीड थ्रो कुशंस. स्पेसिफिकली दिस वन, दिस हैज गॉट लॉट ऑफ टेक्सचर इनटू इट. यू डोंट नीड टू ऐड लॉट ऑफ. हाँ, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक लाइक दिस. और ये बहुत कंफर्टेबल है. राइट. और देखने भी अच्छी लगती है. और आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट ब्लैकिश टोन में हमने किया, डार्क वॉलनट में. और उसके भी ब्लैक मैट रखे हैं लेग्स. ओके. चलिए, डन. सो दिस इज एंड फॉर एंड ऑफ द वीडियो. बट बिफोर वी साइन आउट, देयर आर सम इंटरेस्टिंग डाइनिंग्स भी आ गए. कुछ कवर्ड है इसमें, मैं आपको दिखा. डिस्काउंट में भी है नीचे. अच्छा, ये नया है अभी, फ्रेश अराइवल है. यस यस. ओके. आगे भी कुछ और आए हैं. इसमें आप प्राइसिंग बताएंगे हमको, चेयर्स के साथ बताएंगे या अलग से बताएंगे? अप्रॉक्स 1,20,000 का है. दिवाली ऑफर के बाद 1,00,000 का पड़ता है विद 6 चेयर्स एंड टेबल. कौन सा होगा? 6x3. ओके. आप इसका बेस देखोगे तो ये सारे लाइन से ये आए हैं, कुछ नए पीसेस आए हैं. चलिए, आई नो ना यू वांट टू रैप अप क्विकली. मेरे काफ़ी सारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स है जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं. और स्पेसिफिकली मुझे ये बता दें, अगेन ये जो हम जैसे पूरा एक थीम लेके चल रहे हैं, हमने बेड लिया, हमने सोफाज लिया और साथ में दिस डाइनिंग टेबल. दिस हैज़ अ यूनिफॉर्मिटी. बिल्कुल. इन टर्म्स ऑफ कलर एंड टेक्सचर, है ना? अगर आप ग्रे फैमिली यूज़ कर रहे हो तो ग्रे लो. अगर आप ब्राउन फैमिली यूज़ कर रहे हो तो ब्राउन लो. राइट. ब्राउन में भी बहुत सारे कलर शेड्स हैं, जैसे ये लाइट ब्राउन हो गया. टेक्निकली इट्स बेंजामिन बेज. हाँ, दिस इज डार्क, दिस इज लाइट. ये वही बेंजामिन बेज है जिसका हमने सोफा का सेट भी दिखाया था. यहाँ से आपकी फैमिली चेंज हो जाती है बेज से ब्राउन. अच्छा, भी है बेंजामिन बेज. बेज से ब्राउन. ओके. हाँ, जैसे कलर पैलेट में जाता है ना, बेज से ग्रे, ग्रे से ब्राउन. राइट. तो दिस इज व्हेन यू गो फ्रॉम ग्रे टू ब्राउन, तो ये वाला शेड आता है. चलिए, हाउ मच इज दिस फॉर? ये भी सेम 1,20,000 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट. दिवाली ऑफर 1,00,000 रुपीज विद 6 चेयर्स एंड टेबल. बहुत स्टडी है. आप आओ, इसका वेट देखो चेयर का कि कितनी अच्छी है. ऑल क्वालिटी प्रोडक्ट्स. दिस इज ब्रिटिश क्लासिक सोफा. हां, दिस अगेन पुगो स्ट्रेट लाइन सोफा. वी हैव कुशंस, आप ऐड कर सकते हो जितने चाहो. ये क्या ऑटोमन हमने नया बनाया है. अरे, ये तो हमने हमारे पास भी. हां, आपके पास छोटा वाला, ये थोड़ा बड़ा. I like this. पहले हमने दो छोटे ऑटोमन बनाए थे, अब हमने एक सिंगल बना दिया दोनों को मिक्स. ओके. ये भी लास्ट टाइम ट्रेंड में था, इंडिया में ट्रेंड में आएगा कि जो 10 कलर का है बॉर्डर और बीच में आप ना ये हाउंड डॉग टू ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट का फैब्रिक लगाकर बेड भी बहुत अच्छे बनते हैं. हाँ, है ना? चलिए, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ अभी क्या प्राइस? दिस इज अ न्यू डिजाइन. बहुत कंफर्टेबल है ये. पूरा आपका बैक को सपोर्ट करता है. अगेन क्रोम फिनिश में है, क्रोम एंड मैट ब्लैक में. इसका भी हमने ब्लैक रखा है और वेरी कंफर्टेबल. जब आप बैठते हो ना तो ये पूरा आपका अच्छा खासा ग्रिप लेता है, बैक सपोर्ट ले लेता है. चलिए, मूविंग ऑन टू दिस वन. ये तो पहले सही है. ओके, ये क्या प्राइस रेंज है? सेम 1,20,000 आफ्टर डिस्काउंट 1,00,000. एंड दिस ओवल, दिस इज 2,00,000 रुपीस. थोड़ा दिवाली ऑफर पे कर देंगे इसको. चलिए, लास्ट यूनिट लेफ्ट. इसके दो यूनिट थे पिछली बार हमारे पास ना. जी. चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ. यस, थैंक यू वेरी मच. हमने फर्स्ट बेड पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया. लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा वर्बोस हैं, है ना? हमारे स्क्रिप्ट बड़ी लंबी होती है. पर एक चीज़ है, अगर आप देखें गौर से तो एक तो हार्डन बनी है. आप ऐसे फर्नीचर यूनिट नहीं खरीद सकते. आपको डिटेल पता होना चाहिए. यूजुअली आप देखें कितने सारे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स पीछे बैठे हुए हैं. ये अपना कितना सारा समय निकाल के आते हैं और इतना ट्रैवल करते हैं कई किलोमीटर्स तक, फिर आपके पास आते हैं, फिर आपके पास बैठते हैं. तो ये टाइम पूरा सेव हो जाता है अगर आप घर पर बैठे बैठे ये देख पाते हैं. राइट. मैं सारे क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अलग अच्छे से पूरा वीडियो देख लोगे ना तो 80% आप ऑलरेडी एजुकेट हो जाओगे. बिल्कुल. 20% बचेगा वो यू कैन विजिट अस
we can sit, discuss or close the order. And for people those who cannot come here, and of course we made such an elaborated video. 40% right? order mujhe out of Delhi hai, so wo sirf WhatsApp pe photos bhejne aur book kara dete. Chale, you continue attending Clapper family members. Thanks a lot for thank being so generous. Thank you so much. Pleasure meeting you. Thank you for coming. Again. Thank you. Pleasure.